नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सफ़ेद मूसली की खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों जुड़े रहें, और अगर आप नए किसान भाई हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि आपको भविष्य में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक किसान भाइयों, तो जुड़े रहें अंत तक, और आज के वीडियो की जानकारी हम आपको देना शुरू करते हैं। और जैसा कि बताना चाहेंगे कि सफ़ेद मूसली की जो खेती होती है बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो जो सफ़ेद मूसली की खेती होती है वो संपूर्ण भारत में वैसे की जाती है, ज़्यादातर जो ठंडे क्षेत्र हैं उनको छोड़कर सफ़ेद मूसली की खेती हो सकती है सभी एरिया में, जितने भी भारत के राज्य हैं सभी में कर सकते हैं, केवल जो ठंडे ज़्यादा प्रदेश हैं उन प्रदेशों को छोड़कर। सफ़ेद मूसली एक महत्वपूर्ण रसायन तथा एक प्रभाववाजी कारक औषधि पौधा होता है। इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोग, पीलिया और ल्यूकेरिया आदि के उपचार हेतु किया जाता है। हालांकि जिस प्रमुख उपयोग हेतु इसे सर्वाधिक प्रचार में किया जाता है, उसे जो जितने भी जैसे कि बोला जाता है कि बहुत ही शक्तिवर्धक होता है, तो इसलिए अगर किसी को भी यौन संबंधित कोई समस्याएं होती हैं तो उनको ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो इनको सजेस्ट करते हैं कि आप सफ़ेद मूसली या शिलाजीत का सेवन करें। तो किसान भाइयों, ये जो औषधि पौधा है इसे उगाकर इसके उत्पादन से आप कई सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसे इसकी खेती करना है आज हम आपको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। सफ़ेद मूसली उगाने के लिए जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र प्रदेश में ये पौधा अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपर के क्षेत्रों में ये जो खेती है वो की जा सकती है। साथ ही जितने भी गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर भी ये खेती हम कर सकते हैं, ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में ये नहीं हो सकता है। अब इसकी खेती के लिए खेत को तैयार कैसे करना है, तो सफ़ेद मूसली 8 से 9 महीने की फसल है, जिसे मानसून में लगाकर फरवरी मार्च में खोद लिया जाता है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि खेतों की गर्मी में गहरी जुताई करनी है, और अगर संभव हो सके तो हरी खाद के लिए ढेचा या सनई, ग्वारफली बो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बोने से आपकी जो खेत होती है, जो भूमि होती है, वो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है। जब पौधे में फूल आने लगे तो काट कर खेत में डाल दिया जाता है। गोबर की सड़ी खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय इस खेत में मिला देना है। इस तरह से खेतों में बेड्स और मीटर चेड़ा तथा 1 फीट ऊंचा बनाकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाएं, जिसमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। अब बेड्स बनाने के पूर्व 300 से 350 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीम या करंज की खली मिला देना है उसमें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जिस भूमि में ये डालेंगे तो वहाँ पर आपको कीड़े मकोड़ों या फिर जो भी हानिकारक इंसेक्टिसाइड होते हैं उनसे आपको उनका समाधान हो जाएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं बीज उपचार कैसे करना है और रोपण कैसे करना है। तो 400 से 500 किलोग्राम बीज या 40,000 ट्यूबर्स प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का आवश्यकता पड़ती है। बुवाई के पहले बीज का उपचार रासायनिक एवं जैविक विधि से करते हैं। रासायनिक विधि में वेविस्टिन के 0.1% घोल में ट्यूबर्स को उपचारित किया जाता है। अब जैविक विधि से देखें तो गौमूत्र एवं पानी में 1 से 2 घंटे तक ट्यूबर्स को डुबोकर रखा जाता है। बुवाई के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं। गड्ढे की गहराई उतनी रखना है आपको जितनी बीजों की लंबाई हो। बीजों का रोपण इन गड्ढों में कर हल्की मिट्टी डालकर उसे भर देना है आपको। ठीक है किसान भाइयों, अब इसमें इसकी निराई गुड़ाई कैसे करना है, सिंचाई कैसे करना है। तो रोपाई के बाद ड्रिप द्वारा सिंचाई करना है इसकी। बुवाई के 7 से 10 दिन के अंदर यह उगना प्रारंभ हो जाता है। उगने के 75 से 80वें दिन इसकी अच्छी प्रकार से बढ़ने के बाद सितंबर में अंत में पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं तथा 100 दिन के उपरांत पत्ते गिर जाते हैं। फिर जनवरी फरवरी में जड़ें इसकी उखाड़ लेना है आपको। इसमें जो किस्में होती हैं MDB 13 और MDB 14, ये किस्में अच्छी किस्में मानी जाती हैं। और अगर इसके अलावा आप कोई भी दूसरी किस्म का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म का जो छिलका उतारना होता है वो बहुत ही आसान होता है। बस इस किस्म में ऊपर से नीचे तक जड़ों के ट्यूबर की मोटाई एक समान होता है। एक साथ कई ट्यूबर्स में 2 से 50 गुच्छों के रूप में ये पाए जाते हैं। मूसली बरसात में लगाई जाती हैं और
अभी जो समय है बहुत ही अच्छा समय है इसके लिए। अगर आप अभी बरसात का समय है, अगर आप अभी इसकी खेती करना शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अभी कर सकते हैं। नियमित वर्षा से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और अनियमित मानसून में यह 10 से 15 दिन तक में एक बार सिंचाई मांगता है। अक्टूबर के बाद 20 से 21 दिनों पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। मूसली उखाड़ने के पूर्व तक खेती में नमी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पानी देना छोड़ दिया है, खेत में पर्याप्त नमी बनी हुई रखना है आपको। जल भराव अथवा आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण जड़ों के गलन का रोग भी हो जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आगे की सिंचाई देना बंद करके तथा रुके हुए पानी को बाहर निकालने की अभी समस्या का समाधान आपको करना होता है। फंगस के रूप में पौधों पर फ्यूजेरियम का प्रकोप हो सकता है, इसके उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा बेडी का उपयोग किया जा सकता है। दीमक से सुरक्षा हेतु नीम की खली का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। अगर आप ये नीम की खली डालते हैं तो आपको ये दीमक की समस्या नहीं होगी। एक सुरक्षा के उपाय के रूप में कम से कम 15 दिन में एक बार फसल का गौमूत्र के घोल का छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूसली के हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो मूसली को ज़मीन से खोदने का सर्वाधिक उपयुक्त समय नवंबर के बाद का होता है, जब तक मूसली का छिलका कठोर ना हो जाए तथा इसका सफ़ेद रंग बदलकर गहरा भूरा ना हो जाए तब तक ज़मीन से नहीं निकालें। मूसली को उखाड़ने का समय फरवरी के अंत तक है। खोदने के उपरांत इसे दो कार्यों हेतु प्रयुक्त माना जाता है, एक तो बीज हेतु रखना या बेचना, या फिर इसे छीलकर सुखाकर बेचना। ये दोनों ही उपयुक्त हैं। आप जैसा चाहें अपने उत्पादन के अनुसार, आप चाहते हैं तो आप बीज रख सकते हैं, और अगर आप छीलकर सुखाना चाहते हैं तो सुखाकर बेच सकते हैं। बीज के रूप में रखने के लिए खोदने के एक दो दिन तक कंदों का छाया में रहने दें ताकि अतिरिक्त नमी कम हो जाए। फिर कवकरोधी दवा के उपचारित कर रेत के गड्ढों में कोल्ड एयर चेयर या कोल्ड चैम्बर में इसे रख सकते हैं। सुखाकर बेचने के लिए फिंगर्स को अलग अलग कर चाकू अथवा पिलर की सहायता से छिलका उतार कर धूप में 3-4 दिन सुखा देना है आपको। अच्छी प्रकार सूख जाने के बाद इसे बैग में पैक करके आप बाज़ार में इसे बेच सकते हैं। अब बीज या प्लांटिंग मटेरियल हेतु मूसली का संग्रहण कैसे करें। तो यदि मूसली का उपयोग प्लांटिंग मटेरियल के रूप में करना हो तो इसे मार्च माह में ही खोदना चाहिए। इस समय मूसली को ज़मीन से खोदने के उपरांत इसका कुछ भाग जो प्रक्रियात्मक मतलब छील कर सुखाना कर लिया जाता है, जबकि कुछ भाग अगले सीज़न में भी प्लांटिंग मटेरियल के रूप में प्रयुक्त करने हेतु अथवा बेचने के हेतु रख लेते हैं। अब मूसली की जो खेती से उपज की प्राप्ति होती है, यदि 4 क्विंटल बीज प्रति एकड़ प्रयुक्त किया गया जाए तो लगभग 20 से 24 क्विंटल के करीब गीली मूसली प्राप्त होगी आपको। किसान का प्रति एकड़ जो औसतन 15 से 16 क्विंटल के लिए जड़ के उत्पादन की अपेक्षा करनी चाहिए, मतलब इतना तो आपका हो ही जाता है 15 से 16 क्विंटल। अब मूसली का जो आप श्रेणीकरण ग्रेडिंग भी कर सकते हैं इसकी, एक तो होता है ए श्रेणी, इसे देखने के लिए लंबी मोटी कड़क और सफ़ेद होती है, दांतों के दबाने पर दांतों पर इसे चिपक जाती है। बाज़ार में प्राय इसका भाव जो होता है 1000 से 1500 रुपये प्रति किलो तक मिल सकता है। दूसरा श्रेणी होता है, इस श्रेणी में मूसली को जो होता है मूसली की कुछ अच्छी तथा ए ग्रेड से हल्की थोड़ी होती है। उससे क्या करना है आपको कि उस श्रेणी में से चुनने के बाद आपको ए ग्रेड में से जो रिजेक्ट हुआ है माल उससे बाज़ार में इसका भाव 700, मतलब ये मान लीजिए सबसे पहला जो अच्छी कैटेगरी की अगर आपके पास मूसली है तो वो 1000 से 1500 रुपये प्रति किलो, और उससे कम वाली 700 से 800 रुपये प्रति किलो, और उससे भी कम वाली अगर आप 3 ग्रेडिंग करते हैं तो सबसे नीचे वाली जो कैटेगरी होगी ये भूरे काले रंग की होती है ना, तो इसमें कालापन आ जाता थोड़ा सा, तो उस ग्रेड को आप अलग रख लें तो वो आपकी 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक जाएगी। तो किसान भाइयों, आप खुद कैलकुलेशन कीजिएगा, इसकी लागत आपको ज़्यादा नहीं आती है, उत्पादन में आप करेंगे तो आपको बहुत काफ़ी मुनाफा हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि आप इसका आप अगर 4 क्विंटल बीज प्रति एकड़ में अगर आप बो रहे हैं तो इसका एक एकड़ में आप कम से कम 20 क्विंटल गीली मूसली का उत्पादन तो कर ही सकते हैं, इतनी आप अपेक्षा रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए अगर 20 क्विंटल अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ अगर आपको 1000-1500 न मिलते हुए भी अगर आपको 800 रुपये या 900 रुपये भी अगर आपको मिलते हैं तो आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि इस खेती में आपको कितना मुनाफा होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपके लिए और ही भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इस पर कमेंट करें। ठीक है किसान भाइयों, बने रहें, और इस सूचना को या इस जानकारी को आप अपने अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।